Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first ever online boot camp in the history of DSU, powered by the Developer Student Club at DHSFI University. I'm Atik. And I am Muskan. We start our boot camp with the greatest name of Allah, the most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, and whose love is our life, and whose worship is our faith. The rules for this boot camp are: not open your mics during boot camp. You will be kicked immediately. Respect your teachers and fellow students. 0% tolerance policy for any inappropriate behavior. You will be banned from every platform with no warnings. Questions should be asked on Flutter at DSU Facebook group and on the recordings of Bootcamp YouTube video section. Now, I would like to call the instructor for today's bootcamp, Salman Sheikh, who is a current student and a senior Flutter developer at Webtrica Tech Solution, with 2 years of freelancing experience on Fiverr as a level 1 seller, and has worked in many multinational giants like e-commerce app. Okay, do we have Salman here? Salman, you can open your mic now. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, Salman, you're audible. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Umeed hai aap sab khairiyat se honge. Aur ek hafta is bootcamp ko guzar chuka hai. Bahut hi acha feedback bhi aaya hai aur इस बात की खुशी भी है कि आप लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं साथ साथ, और क्यूरीज आ रही है, और क्यूरीज और बग्स एरर्स ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो इससे घबराना नहीं है। और अभी फर्स्ट असाइनमेंट भी लास्ट सबमिशन हुई है लास्ट डे सबकी, और असाइनमेंट को गो थ्रू भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया, तो इट्स अमेजिंग। यानी हम लोग जो है वो वाकई में हैरान हुए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने जो है वो अपनी क्रिएटिविटी अंदर दिखाई है और कुछ एफर्ट्स लगाई है। इसमें एक बात यह है कि जिस तरह से असाइनमेंट में एक इशू बाज बच्चे कह रहे थे कि जो है ना वो कलर ऐसा दिया है कि जो विजिबल नहीं है, ठीक है, वो दरअसल मिस्टेक नहीं थी, दरअसल जान के दिया गया था, क्योंकि इसमें हम ये चीज़ जज करना चाह रहे थे कि असाइनमेंट तो एक तरह से आसान था, वही जो क्लास में डिस्कस हुआ था उसी में खाली टेक्स्ट को एडिट करना था, अपना टेक्स्ट लिखना था, दैट्स इट। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि आप अंदर अपनी क्रिएटिविटी क्या दिखाता है, तो कलर जान के ऐसा दिया गया कि जो विजिबल ना हो, तो आप क्योंकि बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना सिखा दिया गया था, तो आप किस तरह से उसको बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करते हैं। खैर, तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे भी अपना जो है वो स्किल्स को दिखाया और के काम वो कर रहे हैं ये चीज़ की। खैर, इसमें जो है वो आपको बिल्कुल भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे काम नहीं हो रहा या आपके एरर्स आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर हम जो है वो स्किल्स इम्प्रूव करने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग पूछते हैं इनबॉक्स में, और उसके आपको रिप्लाई मिलता है, हो सकता है कि बाज को लेट रिप्लाई मिल रहा हो, लेकिन रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ आप लोग की हौसला अफजाई करना है, ना कि हौसला शिकनी करना, तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन करने से भी ना घबराएं। और मुझे इस पर जो है वो शाहिद जकी का एक शेर याद आ गया कि तुमको इसको मैं रद्द बदल करके पढ़ रहा हूँ, तुमको इस बूट कैंप की समझ आएगी आते आते, तुमको इस बूट कैंप की समझ आएगी आते आते, अजनबी शख्स पे ताखीर से घर खुलता है। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग समझ जाएंगे वक्त के साथ कि यहाँ पे सिर्फ आपके हौसला अफजाई होगी, कोई मतलब किसी को जो है ना वो डिमोटिवेट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चंस वगैरह सब कर सकते हैं, और जो है वो बिल्कुल बिना घबराए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं। अच्छा, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले ही एक बात बिल्कुल बता दूं कि आज का टॉपिक समझ लें कि आपके यूआई फ्लटर में आप जितना भी काम करेंगे इन फ्यूचर, उसकी बिल्कुल बुनियाद आज हम पढ़ेंगे। इससे पहली क्लासेस में जस्ट आपको फ्लटर की बेसिक बतानी थी, लेकिन आज आपकी समझ लें कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप जो काम करेंगे उसकी बेसिक है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूआई देखेंगे, अंदर आपको रॉज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। तो आज हम यही चीज पढ़ेंगे कि हम अपनी फ्लटर ऐप के अंदर रॉज और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट को किस तरह से जो है वो पढ़ते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं।
उम्मीद है मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जी जी दिख रही है। ठीक है, सही। तो ये बिल्कुल लास्ट जो हमारी क्लास अलीशान ने ली थी, और उन्होंने आपको बेहतरीन अंदाज से जो है वो कंटेनर्स और आइकन्स वगैरह का यूज सिखाया था। तो ये वही कोड मैंने यहाँ पे जो है वो अपना खोला हुआ है। इसको मैं एक साइट पे कर दूं, और ये मेरा मोबाइल, ये इसका आउटपुट था, लास्ट स्क्रीन जो आप लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम बनाई थी, और इसी पे आप लोगों ने असाइनमेंट भी किया। आज इसके अंदर जो है वो हम रद्दो बदल करेंगे और जो है वो कुछ नई चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो चीज़ है कि हम लोगों ने अब तक जो काम किया था, मैं एक फ्लो शुरू से भी रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है बाज़ स्टूडेंट हो जिनके पुराने कॉन्सेप्ट या उन्होंने बेसिक क्लास ना ली हो या कुछ। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई थी, देन हमने एक एंट्री पॉइंट अपना डिसाइड किया था कोड के अंदर जो कि मेन हम कर रहे होते हैं। देन हमने डार्ट का एक फंक्शन कॉल करवाया था जिसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन अपनी पास की थी, और वो एप्लीकेशन हमने अपने नीचे डिजाइन की के बूट कैंप ऐप के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये बात की थी कि हम सबसे पहले मटेरियल ऐप को रिटर्न करवाते हैं, और मटेरियल ऐप चूंकि समझ लें फ्लटर ऐप की बुनियाद होती है, तो जब भी हम स्टार्टिंग लेते हैं तो मटेरियल ऐप को ही रिटर्न करवाते हैं। देन जाके हमने फिर मटेरियल ऐप में उसका टाइटल दिया, थीम दी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका होम डिसाइड किया कि हमें किस स्क्रीन को इस मटेरियल ऐप में शो करवाना है, और वो हमने वो पूरी जो है वो स्क्रीन यानी एक स्कैफोल्ड जो पूरा हमने डिजाइन किया था, ये यहाँ से लेकर ये कंप्लीट हमने इस होम के अंदर प्लेस करवाया, ठीक है। और यही हमारी दरअसल एक स्क्रीन थी। अच्छा, अब ये जो तरीका, ये पहले एक काम करें, आप मुझे बता दें चैट बॉक्स में ताकि कोई मुझे कन्वे कर देगा मैसेज कि यहाँ तक का कोड सबको क्लियर था बिल्कुल, नेक्स्ट वो पिछले वीक का। अच्छा, पालवी का सवाल है कि रिटर्न में हमेशा मटेरियल ऐप ही रिटर्न करता है। आपका जी जी बिल्कुल। ठीक है। अभी आगे हम जब आएंगे और मजीद विजिट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे तो वहां पे रिटर्न मटेरियल ऐप नहीं हो रही होगी, लेकिन ये वो विजिट है जो हम बिल्कुल रन ऐप के अंदर देते हैं। तो रन ऐप के अंदर जिस विजिट को हम दे रहे होते हैं वो हमेशा रिटर्न मटेरियल ऐप करता है। इसके अलावा जितने भी हम विजिट्स पे काम करेंगे वो रिटर्न नहीं करेंगे मटेरियल ऐप, वो अपनी अपनी नीड के मुताबिक हम रखेंगे उसको। ये सिर्फ इसके लिए है, रन ऐप कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसके लिए। एक और रिक्वेस्ट है कि आइकॉन प्लेसिंग वाला हिस्सा रिपीट कर दें। आइकन प्लेसिंग, अच्छा ऊपर ऐप बार वाला, ठीक है सही है। अब देखें हमारे ऐप बार को यहाँ पे जो है ना वो अगर हम थोड़े बेहतर अंदाज से खुद ही समझ, हमारे ऐप बार के अंदर तीन चीजें मौजूद है, एक स्टार्टिंग वाला ये वाला आइकन, एक ये बीच वाला टेक्स, और एक लास्ट वाले ये वाले आइकन, ठीक है। तो इन तीनों को हम प्लेस करने के लिए आपके ऐप बार में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है टाइटल की, टाइटल आपका हमेशा जो है वो ये जो टेक्स आप यूज कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, जो यहाँ पे इस्तेमाल भी किया गया है जिसमें बूट कैम ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। अब लीडिंग, लीडिंग एक वर्ड है जिसका बजाते खुद मतलब क्या है कि जो बंदा आगे रहता है लीड करता है, ठीक है। तो अब इस ऐप बार में जो लीडर है वो कौन है, ये वाला, ठीक है। तो हमने लीडिंग, लीडिंग मतलब जो सबसे पहले चीज लगाई है वो एक फोटो वाला आइकन लगाया है, तो इसलिए वो क्या है सबसे पहले ऐप बार में, सबसे पहले वो आ गया, ठीक है। तो ये लीडिंग एक प्रॉपर्टी है ऐप बार की जो क्या करती है सबसे पहले नंबर पे उस चीज को प्लेस कर देती है जो भी चीज हम इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने आइकन रखा है तो इसलिए यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आइकन के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज यूज हुई है। आइकन के अंदर सबसे पहली जगह पे हम जो लिखते हैं वो आइकन लिखते हैं कि हमें कौन सा आइकन शो करवाना है। तो अब आइकन का विजिट जो है वो आइकन और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो हम पहली पैरामीटर जो पास कर रहे होते हैं वो आइकन नेम एक तरह से पास कर रहे होते हैं। आइकन, इसको हम आइकन डेटा बोलते हैं अगर फ्लटर की लैंग्वेज में बात करूं तो, ये आइकन डेटा है, ठीक है। तो हम आइकन डेटा पास करते हैं तो यहाँ पे हमने आइकन्स डॉट, अब यहाँ पे डॉट लगा के आप जो भी वहाँ पे एक लिस्ट आपके पास शो होगी और आप उस लिस्ट के अंदर से जो भी आपको आइकन लगाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी जो है वो लिस्ट लोड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो है वो एड फोटो वाला एक आइकन था,
ये देखें ये लिस्ट आ गया, मैंने फोटो लिखा, ये अगर आप सिर्फ डॉट लगाते तब भी आ जाती, वो एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए। अब मैं यहाँ पे जो भी आइकन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब उस आइकन का आप कलर भी खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो एक कलर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप कलर्स डॉट करके कलर का वैल्यू दे दें कि कौन सी आपको कलर को यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है वो ऐप बार के अंदर आपको समझ आ गया कि लीडिंग इसलिए ये पहले नंबर पे आ गया, टाइटल आपका यहाँ आ चुका है, और ये जो लास्ट में जितनी भी चीजें नजर आ रही है वो लास्ट में आप जो है ना यहाँ पे 2 है, आप 10 भी रख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक्शन की प्रॉपर्टी होती है, एक्शन के अंदर आप यहाँ पे 2 आइकन रखे हुए सेम उसी पैटर्न पे जितना लीडिंग में रखे हैं, तो आपके पास ये जो है वो आपकी एक्शन के अंदर। अब यहाँ पे मैं अगर तीसरा आइकन भी ऐड करवाऊंगा तीसरा भी आ जाएगा, तो एक्शन पे कोई लिमिट नहीं है, ये आपके पास एक से ज्यादा विजिट्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो एक्शन लेकिन हमेशा याद रखना जिसना लीडिंग सबसे पहले आता है, एक्शन हमेशा सबसे आखिर में आता है, तो इसलिए वो वहां से शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी जो एप बार की यूज हुई है वो सेंटर टाइटल की यूज हुई है, इसको ये बूल अपने पास एक्सेप्ट करता है, तो सेंटर टाइटल अभी 2 है इसलिए ये आपको बीच में नजर आ रहा है। अगर इसको मैं फॉल्स कर दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव हो जाएगा आइकन आपका, ठीक है। तो ये देखें ये बीच से जो है वो लेफ्ट पे चला गया। तो ये ऐप बार की और आइकन्स की बात थी, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई इशू है यहाँ तक के कोड के अंदर, तो फिर मैं आगे स्टेप चलूँ, क्योंकि वरना अगर यहाँ तक इशू होंगे तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। अगर किसी के कोई सवाल आते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि वी कैन प्रोसीड फर्दर। अच्छा मैं आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे हमारी जो एक कोडिंग पैटर्न है, चूंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप साथ साथ कोड तो नहीं कर सकते, वरना बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होती है कि आप जो है वो कोड कर रहे हो साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। लेकिन आप चूंकि कोड साथ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो डिस्कशन यहाँ पे हो रही होती है, जैसे अभी ये थ्योरिकल चीज़ें मैंने थोड़ी बताई या जो आपको टिप्स एक तरह से लग रही होती है वो आप अपने पास से नोट कर लिया करें किसी भी कॉपी पेन से, ताकि जो है वो बाद में आपको इजीली उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई मसला ना हो, ठीक है। क्योंकि वो कहता है ना लिखा हुआ बोलता है, ठीक है। इंसान का दिमाग है, कभी भी काम करना छोड़ सकता है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा बोलती है, तो इसलिए जो है वो कोशिश करें कि नोट कर लिया करें। अच्छा चलें फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक आज क्वेश्चन जो है कि अच्छा ये कैन यू डू द लीडिंग आइकन पार्ट। अच्छा ये मतलब रिपीट कर दूं, ठीक है। ये बात जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल स्टार्ट में आके प्लेस हो जाएगी, और ऐप बार का हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन या का स्टार्टिंग लेफ्ट से हो रही होती है, ठीक है। तो यानी ऐप बार की स्टार्टिंग भी इसके लेफ्ट साइड से है, तो यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगी। अब हमने लीडिंग के अंदर अभी आइकन को रखा हुआ है, यहाँ पे जरूरी नहीं आप आइकन रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी विजेट होना चाहिए, ठीक है। तो विजेट आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी आइकन रखा हुआ है, और आइकन के ऊपर मैंने ये बात की कि आइकन 2 चीजें फिलहाल हमने कौन सा रखना है, तो हम आइकन का कीवर्ड डॉट डॉट के आगे लिस्ट पहले खुल जाएगी, उसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लें। देन सेकंड नंबर पे कलर, ठीक है। कलर की भी एक प्रॉपर्टी आइकन दे पड़ती है जो आइकन के ऊपर अप्लाई होती है, तो यहाँ पे अभी कलर व्हाइट हमने रखा हुआ है, तो आप कलर की प्रॉपर्टी को कलर्स डॉट इसमें भी लिस्ट खुल जाएगी, तो आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीडिंग इस तरह से यूज होता है ऐप बार में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया था कि अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट मटेरियल ऐप को यहीं पे लिख देता, रिटर्न करवा देता। रिटर्न का दरअसल मतलब क्या होता है कि मैंने ये जो नाम लिखा है ना यहाँ पे, तो अब इसकी जगह पे समझ लें ये पूरा कोड ही लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने अगर कोई बेसिक सी की भी आपने लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें भी अगर आप फंक्शन डिजाइन करते हैं वो कोई चीज रिटर्न करता है, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जिस जगह आपने फंक्शन को कॉल करवाया
वाली वैल्यू दरअसल उस जगह पे जाके प्लेस होगी, ठीक है, जब आप फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि हमने इस बूट कैम्प ऐप को यहाँ पे कॉल करवाया, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल ऐप है वो डायरेक्ट यहाँ पे आके प्लेस हो रही है, रिटर्न हो रही है ना, रिटर्न का मतलब वापस जा रही है उस जगह पे, अपनी असल जगह पे, तो ये यहाँ पे आके प्लेस हो रही है। तो दरअसल क्या है कि हम चाहते तो हम मटेरियल ऐप वाले जितना भी हमने कोड लिखा है वो सारा यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो अच्छी अप्रोच नहीं थी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आज हम ये चीज देखेंगे कि हमने यहाँ पे होम के अंदर सारा कोड अपना लिख दिया, जो कि एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती। तो चूंकि पिछला वीक बिल्कुल बेसिक था, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, बस एक ही रिधम के अंदर सारी चीजें करते आ रहे थे, लेकिन आज से हम जो है वो थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम होम से अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल ये यहाँ से आपने स्कैफोल्ड का जितना भी कोड लिखा है ये देखें, ये आप मुझे लिमिट बता रहा है, और एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आप लोग यूज कर रहे हैं या विजुअल कोड भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ आपको जो है ना वो साइड पे माइनस प्लस की सिग्नेचर्स नजर आते हैं, कि अगर आप माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा क्या कर देगा, इसकी बॉडी को बंद कर देगा, ठीक है, वरना अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो ये क्या है, इसकी पूरी बॉडी को खोल देगा। तो अभी मैंने इस पूरे स्कैफोल्ड को सिलेक्ट किया, तो इसने क्या किया, पूरे स्कैफोल्ड के कोड को अपने पास सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इधर इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ये तो सबको पता होगा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करवाता हूँ सिंपल, मैं इसको कुछ भी ना, इसको मैं बोल देता हूँ होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन का एक फंक्शन ने यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब ये चूंकि बना हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे रेड लाइन एरर शो कर रहा है। तो अब इस होम स्क्रीन को मैं कहाँ बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा। तो अब मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कशन हमारी हुई थी कि या तो हम स्टेट फुल विजिट बनाते हैं या स्टेट लेस विजिट बनाते हैं, जिसने हमने ये बूट कैम्प ऐप को बनाया ना, ये क्या है, स्टेट लेस है। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, एक स्टेट लेस ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी स्टेट फुल पे तो कोई डिस्कशन की नहीं है, तो स्टेट लेस हम विजिट बनाएंगे। तो मैंने इसका शॉर्टकट क्या बताया था कि हम STL, सिंपल STL लिखेंगे तो आपके पास स्टेट लेस विजिट के एक जो है वो फंक्शन का डिफॉल्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर चूंकि मुझे होम स्क्रीन चाहिए तो मैं इसका नाम जो है वो होम स्क्रीन ही रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया सिंपल कि हमारा बस जो भी पुराना कोड था वो यहाँ पे होम की जगह पे लिखा हुआ था, मैंने उस सबको अपने पास कट कर लिया, और इसकी जगह मैंने सिंपल एक फंक्शन को कॉल करवाया, और वो फंक्शन क्या है, दरअसल मैंने यहाँ पे एक विजिट बनाया जो मैं यहाँ पे अब उस पर वर्किंग करूंगा, जो हमने कोड वहां से कट किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब दरअसल यहाँ अभी मैंने जिसने ऊपर बात की कि ये कॉल फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन रिटर्न मटीरियल ऐप हो रही है, इसका मतलब क्या है कि समझ लो मटीरियल ऐप ही यहाँ पे लिखी हुई है। तो सेम इसी पैटर्न पे अब ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल किया है, तो रिटर्न में भी क्या आना चाहिए, वही कोड आना चाहिए जो हमने अभी कट किया। तो मैं इस पूरे कंटेनर को यहाँ से मिटा के पेस्ट कर देता हूँ हमारा स्केफोल्ड वाला कोड जो हमने पिछली क्लास में किया था, मैंने कुछ नया नहीं किया, सिंपल कॉपी पेस्टिंग की है। तो अब यहाँ पे देखें, अब वही सवाल का जवाब आ गया कि जरूरी नहीं हर मरतबा मटीरियल ऐप, सिर्फ हम पहली जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो रन ऐप में सिर्फ मटीरियल ऐप रिटर्न हो रहा होता है, इसके अलावा जितनी भी हमारे पास स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट हम बनाते हैं, हम अपनी मर्जी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिटर्न करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना वो स्केफोल्ड रिटर्न करवाया जो हमने पिछली क्लास में बनाया था, और अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, मेरे आउटपुट में आपको कुछ चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारा कोड थोड़ा दिखने में अच्छा हो गया है। यहां तक किसी को मसला है कि मैंने ये जो काम किया है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो ये एक कुछ नया नहीं किया, जस्ट हमने जो है वो एक बेस्ट अप्रोच देखी है कि हम किस तरह से अपने कोड को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराने कोड है अंदर, अभी कुछ भी हमने न्यू नहीं किया, अब हम जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। तो मैं आज की जो हमारा टॉपिक था उसकी तरफ आता हूँ, रोज और कॉलम्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी वर्किंग करना शुरू करते हैं, मैं सारी चीजें यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि एक तरह से दोबारा से आप लोग चीज़ों को देख भी सकें कि किस तरह यूज़ हो रही है, और आज की ऐप भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो सबसे पहले एक ऐप बार बनाते हैं, एक मिनट मैं स्लाइड भी साथ खोलूँ ताकि आपको कुछ बेसिक नो हाउ भी हो जाए इस चीज़ से। आज मज़े की बात है, हमारा जो टॉपिक है हम रॉज और कॉलम्स को यूज़ करके
चेस बोर्ड बनाएंगे, शतरंज, नाम तो सुना होगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है आज के लिए, तो देखते हैं इसे। सबसे पहले मैं एक ऐप बार बनाता हूँ, सेम उसी पैटर्न पे ऐप बार की प्रॉपर्टीज स्कैफोल्ड की यूज ही, और अंदर हम एक विजिट यूज करेंगे ऐप बार का, ठीक है। और मैं टाइटल इसको दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक रोज एंड कॉलम्स का और हमें चेस बोर्ड बनाना है, तो मैं एक टैग्स का विजिट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसको ऐप बार में हेडिंग दे रहा हूँ, चेस बोर्ड, ठीक है। तो ये अब तक हमारे पास आउटपुट है, चेस बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको मैं सेंटर कर दूं तो मैं यहाँ पे सेंटर टाइटल की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देता हूँ ताकि ये क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए। तो ये सेंटर में भी हो गया, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज कोड जूम कर दें। कोड जूम कर दूं, ठीक है, सेंटर टाइटल को ट्रू कर दिया। अच्छा, अंदर टेक्स्ट के अंदर स्टाइल हम थोड़ा सा देते हैं, ये आई थिंक सो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। मुझे कोई बता दे, डिस्कस हुआ था ये टेक्स्ट स्टाइलिंग? जी सलमान, बिल्कुल होगी स्टाइलिंग। ठीक हुआ था, ठीक है, ताकि मैं एक फ्लो में चलूँ ना। तो ये बात हमें पता है कि टेक्स्ट के अंदर एक पैरामीटर होता है स्टाइल का, और उसको हम टेक्स्ट स्टाइल का विजिट दे रहे होते हैं। तो मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज मैं इसको दे रहा हूँ 20, ठीक है, ताकि विजिबल हो जाए। तो मैंने फॉन्ट साइज इसको 20 दिया है, लेकिन अभी भी इतना विजिबल नहीं है, 30 देते हैं, ठीक है। तो अब ये विजिबल है, तो चेसबोर्ड ये हो गया और सेंटर टाइटल। फिलहाल ऐप बार में इतना ही वर्किंग है, हमें असल अपने बॉडी के अंदर वर्किंग करनी है रोज और कॉलम से, तो हम ऐप बार को इतना ही रखते हैं, बॉडी की तरफ चलते हैं। तो बॉडी इसकी डिजाइन करते हैं। अच्छा, बॉडी से पहले मैं इसको बैकग्राउंड एक कलर दे देता हूँ। इसके फोल्ड की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर की भी होती है, तो इसके फोल्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर को मैं कलर्स डॉट ग्रे, ग्रे कलर का बैकग्राउंड कर देता हूँ। और आप लोगों ने शायद ये चीज तो पिछले क्लास में देखी थी कि हम अगर किसी कलर के आगे 1254 इस तरह लिखते हैं तो वो उसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको जो है वो किसी कलर के शेड्स देखने हैं, ठीक है, तो आप कलर्स डॉट ग्रे, अब मैंने ग्रे कलर लिखा, मुझे इसके शेड चाहिए, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट इसके आगे लगाऊंगा और अब दूंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 400 दे रहा हूँ, तो अब ये इसके अंदर जो कलर आएगा वो थोड़ा लाइट आएगा। अगर मैं इसको 800 दे रहा हूँ, तो आप ये साइड में देख सकते हैं जहाँ पे ये शो हो रहा है, अब ये डार्क हो गया। इसको 500 दे रहा हूँ तो ये बहुत लाइट हो गया। तो ये इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं ग्रे के, ठीक है। तो अभी मैं 400 रख रहा हूँ अपनी जरूरत के मुताबिक। तो मेरा जो है वो, अच्छा ये क्या बोल रहा है, एक ये मैंने रिक्वेस्ट आई है क्योंकि कि बॉडी पे आप, आप टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा कलर की वजह से। चेस बोर्ड जो लिखा हुआ है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा हम ऐप बार का कलर ही चेंज कर देते हैं और बोला है, ठीक है। तो अब ऐप बार का कलर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, और कलर्स डॉट इसको मैं जो है वो ग्रे दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं डार्क वाला ग्रे दे रहा हूँ। फिर तो मैंने ग्रे का 800 वाला शेड इसके अंदर यूज कर लिया, तो आई थिंक सो अब विजिबल होगा, ठीक हो गया। यहां तक तो मेरे हाल में कोई इश्यू नहीं। सबसे पहले थोड़ी रॉज और कॉलम्स के वाले से थ्योरी देख लें ताकि इजीली समझ आ जाए। अच्छा, रॉ क्या होती है हमें पहले से पता है, हम 9 मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ डेटा थिंग्स ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग एल्स, इन शॉर्ट कोई भी चीज लेटी हुई है, ठीक है, तो वो रॉ है। ये इस तरह ही लेटते हैं, ठीक है, तो ये रॉ है, ठीक है। और कोई भी चीज स्ट्रेट खड़ी हुई है तो वो आपके पास कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, तो ये आपके पास कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब रॉज एंड कॉलम्स की ये जो तीन प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसको यहीं पे हम पहले देख लेते हैं, फिर हम कोड की तरफ जाएंगे ताकि जब यूज करें तो आपको क्लियर हो कि क्यों ऐसे यूज हो रहा है। अच्छा, चिल्ड्रन, अब देखें एक रॉ जब भी होती है ना, जैसे आपको इस तस्वीर में ही नजर आ रही है कि इसके अंदर एक ये यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, बीच में लिख सकता हूँ, या मैं पांच जगहों पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। यानी इसका क्या मतलब है कि एक रॉ होती है ना, वो मुख्तलिफ चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो एक पहले हम जो विजिट्स यूज करते थे उसमें एक चाइल्ड होता था कि सिर्फ एक ही चीज हम उसमें प्लेस कर सकते हैं,
यहाँ पे अब रॉ के अंदर क्या होगा कि चिल्ड्रंस होंगे, यानी एक से ज्यादा चीजें, हम एक से ज्यादा विजिट्स को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स यूआई की तरफ भी जाएंगे या बेसिक यूआई की बात करें, आप जब भी उनके अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज ही आपको हेल्प देंगी कि आप उसको बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट बना सकें। तो अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट, अब रॉ जो है तो रॉ की रिस्पेक्ट, रॉ की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेफ्ट टू राइट, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इसका जो मेन एक्सिस है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, मैंने इस तरह बताया कि ये लेटा हुआ है, तो ये इसकी मेन एक्सिस है, और क्रॉस एक्सिस यानी इसका उलट होगा तो वो क्या होगा, वर्टिकल, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रॉस एक्सिस कहलाएगा। तो जब भी हमें किसी चीज को रॉस के अंदर अरेंज करना होगा ना, ये इस सेंस में कि लेफ्ट टू राइट वो जाए, तो हम मेन एक्सिस की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी चीज को रॉस के अंदर यूं अलाइन करना है कि वो टॉप टू बॉटम में अलाइनमेंट उसकी हमें चेंज करनी है, तो हम क्रॉस एक्सिस को यूज करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? चैट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आगे चलूं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एंड यूजिंग कॉलम्स। ठीक है, अभी हम कॉलम पे जब आएंगे तो मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, अभी अगर मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बीच में मैं डिफरेंस बता दूं एक दफा फिर से, ताकि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए आपके पास। मेन, अब देखें यही दो प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैं कॉलम को भी एक नजर साथ लेके चलता हूँ। देखें, प्रॉपर्टीज कॉलम की भी यही थी जो अभी वो रॉस की भी यही थी, चिल्ड्रन, मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। ठीक है, और यहाँ कॉलम की भी यही है। ठीक है, तो अब इसको दोनों को साथ में लेके समझा रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखें, इसकी रिस्पेक्ट से, रॉ की रिस्पेक्ट से मेन एक्सिस क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जबकि कॉलम की रिस्पेक्ट से आपका मेन एक्सिस क्या है, कॉलम कैसे चलता है, टॉप से डाउन, बॉटम चलता है। ठीक है, तो जब टॉप से बॉटम चलता है तो इसका मेन एक्सिस क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, जबकि अगर हम जो है वो इसके क्रॉस एक्सिस की बात करते हैं, तो इसका क्रॉस यानी जो रॉ की असल डायरेक्शन है उसका उलट क्या होता है, वो। ठीक है, तो रॉस और कॉलम्स में प्रॉपर्टीज के लिहाज से दोनों में सेम प्रॉपर्टीज है, चिल्ड्रन मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। रॉ में भी है चिल्ड्रन मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस कॉलम में भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि किस वक्त हम रॉ को यूज करेंगे, किस वक्त कॉलम को, और रॉ के लिहाज से मेन क्या होता है और कॉलम के लिहाज से मेन क्या होता है। तो इसको हम साथ साथ देखते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो। तो अब देखें, मेन और क्रॉस ये तो वर्ड से ही वाजे हैं कि रॉ की जो असल डायरेक्शन होती है वो मेन कहलाएगी, और जो रॉ की असल डायरेक्शन नहीं होती वो क्रॉस कहलाएगी। यानी रॉ की असल डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, तो ये मेन एक्सिस कहलाएगा इसका। लेकिन इसकी जो उलट होगा वो क्या होगा, टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम क्या कहलाएगा, रॉ का क्रॉस कहलाएगा। जबकि अगर मैं कॉलम पे आऊं तो कॉलम की मेन डायरेक्शन टॉप से बॉटम होती है, तो इसलिए इसका जो मेन एक्सिस होगा वो भी क्या होगा, टॉप से बॉटम होगा। लेकिन इसकी जो उसका उलट अगर बात करें तो वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट इसका क्या होगा, क्रॉस होगा। तो दोनों में क्या है, एक तरह से सेम प्रॉपर्टीज है लेकिन उलट है एक दूसरे की, वहां का मेन यहाँ का क्रॉस है और यहाँ का क्रॉस यहाँ का मेन है, बस फर्क इतना है। ये बात क्लियर हुई? जी सलमान भाई, कंटिन्यू। ठीक हो गया। तो यहां तक हम जो है ना वो रखते हैं थ्योरी को, फिर हम अब कोड की तरफ वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं एक कंटेनर रिटर्न करवा रहा हूँ। कंटेनर, आप लोग पता है आप लोगों को क्या होता है कंटेनर, दरअसल आपकी एक स्पेसिफिक जो है वो साइज अपनी बॉडी के अंदर ले रहा होता है। जैसे अभी अगर मैं इसको हाइट और विड्थ दे दूं, आप लोगों ने ये चीज पिछली क्लास में पढ़ी थी कि इसको अगर हम एक हाइट और एक विड्थ दे दें, तो ये कंटेनर एक मखसूस एरिया आपकी बॉडी का जो है वो स्क्रीन का वो क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और आप जो भी वर्किंग करेंगे वो सिर्फ उसी मखसूस हिस्से में सिर्फ शो होगी, पूरी स्क्रीन को वो क्या करेगा, यूज नहीं करेगा। तो फिलहाल मुझे इसको हाइट और विड्थ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ जब भी, देखें हम कंटेनर को हाइट और विड्थ तब देते हैं जब हमें पहले से बिल्कुल क्लियर हो कि हमारा जो भी कंटेंट है वो सिर्फ इतने एरिया में ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी चूंकि मैं एक जो काम आगे करने वाला हूँ तो उसके अंदर मुझे
क्लियर नहीं है बिल्कुल कि मैं उसमें जब रोज और कॉलम्स बनाऊंगा तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंटेनर को कोई भी हाइट और विड्थ नहीं देते, तो कंटेनर क्या करता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से जितनी बस हम चीजें अंदर डालते रहेंगे उसको एक्सेप्ट करता रहेगा और वो उतना एक्सपेंड होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर सबसे पहले यूज करता हूँ और उसके चाइल्ड में अब मैं यहाँ पे रॉ या कॉलम इन दो में से कोई एक चीज यूज करूंगा, ठीक है। तो अब कैसे हम ये फैसला करेंगे क्या यूज करना है उसकी तरफ हम दोबारा स्लाइड पे आते हैं। अब चूंकि मैंने जिस तरह बताया कि हम जो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो इसके थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी होगी और इसके थ्रू बिल्कुल क्लियर आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे इनका यूज होता है। अब देखें, ये आपका जो शतरंज होता है उसके अंदर वैसे तो ये 8x8 का होता है, यानी 8 इसमें कॉलम्स भी होते हैं, यानी कॉलम्स ये, और 8 इसमें रॉस भी होती है यानी ये, ठीक है। तो अब और ये छोटे छोटे बॉक्सेस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ा है, अब चूंकि हमारे पास अभी हम बेसिक पे हमने रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग नहीं सीखी, तो अगर मैं ये 8x8 का बनाऊंगा ना तो ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी क्या साइड अपनी स्क्रीन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो हम इन फ्यूचर अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि मीडिया क्यूरीज कैसे यूज होती है और इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल चूंकि मुझे ये बात का पहले से इल्म है कि ये आउट ऑफ बाउंड्री होगा, तो इसलिए हम इसको छोटा कर रहे हैं। मैं जो अपने पास चेस बोर्ड बनाऊंगा वो 6x6 का होगा, ठीक है, यानी आपके पास 6 कॉलम्स होंगे और 6 रोज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस बॉडी को थोड़ी देर इसको देखें थोड़ी देर के लिए, तो अब इसमें जो है वो आपको नजर आ रहा है कि मैं अगर कॉलम की रिस्पेक्ट से देखना शुरू करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कॉलम के रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो कॉलम के रिस्पेक्ट से देखें तो आपके पास 6 कॉलम्स होंगे और 6 रोज होंगी, ठीक है। अगर मैं मेन अपना विजिट अपना मेन विजिट अब देखें, मैं जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था ना कि हम उसके क्रॉस एक्सिस में और कॉलम में क्या फर्क है, यानी हम इसको भी यूज कर सकते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, तो अब ये दरअसल आपको अपने डिजाइन को सामने रखते हुए इस बात का फैसला करना है। वही काम सेम वर्क आपका रॉ के थ्रू भी हो सकता है कॉलम के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम कैसे फैसला करेंगे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ, जो एक ट्री है विजिट ट्री, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा कि कैसे हम वर्किंग करते हैं। अब तक हमारी जो ऐप है वो क्या है, मटीरियल ऐप थी, ये वैसे नजर आ रहा है, ये ट्री बिल्कुल नजर आ रहा है, सबको क्लियर है, भाई क्लियर है, कंटिन्यू। सबसे पहले हमने मटेरियल ऐप अपनी उसमें बनाई, ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि ये रही मटेरियल ऐप, ठीक है। उसके बाद हमने स्कैफोल्ड बनाया, तो स्कैफोल्ड ये रहा बना हुआ, ठीक है। देन जाके हमने उसमें ऐप बार यूज किया, एक एक चाइल्ड इसका ऐप बार हुआ और एक हमने कंटेनर अब तक यूज किया है, ठीक है, आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे देखें, स्कैफोल्ड में एक ऐप बार यूज हुआ, एक कंटेनर यूज हुआ। अब यहाँ पे जो वर्किंग हुई है वो कॉलम के रिस्पेक्ट से हुई है इस विजिट ट्री के अंदर, ठीक है। यानी क्या कि अगर मैं इसको कॉलम के रिस्पेक्ट से देखता हूं तो फिर मुझे कितनी रॉज चाहिए, अपने एक कॉलम मैंने डिजाइन कर लिया, अब मुझे कितनी रॉज चाहिए एक कॉलम के अंदर, ठीक है। तो चूंकि हमने बात की कि हमारे पास डिजाइन 6x6 का है, तो इसलिए जो मैं एक कॉलम के अंदर रॉज को रखूंगा वो कितनी रखूंगा, 6 रॉज को रखूंगा। एक पहले से हमारा माइंड क्लियर हो रहा है, मैं कोड में साथ साथ चलता रहता हूं। तो सबसे पहले कंटेनर में एक कॉलम हम बनाते हैं। अब कॉलम के अंदर मैंने जैसे पहले बताया कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन की हम प्रॉपर्टी को सबसे पहले यूज करेंगे, जो मेन है कि हमें अंदर रखना क्या क्या है, ठीक है। तो चिल्ड्रन के अंदर अब ये कॉलम क्या एक्सेप्ट करेगा, मुख्तलिफ चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेगा। अब चूंकि हमारे यूआई के मुताबिक हमें जो अभी फाइनल आउटपुट बनाना है उसके मुताबिक हमने देखा कि हमारे पास बॉक्सेज हैं, छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, ठीक है, और छोटे छोटे बॉक्सेज यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि हमारा 6x6 का डिजाइन है तो इसलिए हमारे पास 6 बॉक्सेज होंगे, ठीक है। ये आपके पास एक रॉ, ये दूसरी रॉ, ये तीसरी रॉ, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी रॉ, ठीक है। तो ये 6 तो कंप्लीट रॉज है और एक रॉ के अंदर भी कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है, ठीक है। तो एक काम मैं करता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सबसे पहले मैं कॉलम के अंदर कुछ चिल्ड्रन यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहे हैं, देन जाके हम इसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है। अच्छा, तो कॉलम ये तो सिंपल, मैंने एक कंटेनर के अंदर कॉलम का चाइल्ड बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने उसकी प्रॉपर्टी चिल्ड्रन को कॉल करवाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और कंटेनर बना रहा हूँ सिंपल, जिसको मैं हाइट दे रहा हूँ 20 की,
और विद दे रहा हूँ 20 की, ठीक है। और इसको मैं कलर भी कोई एक दे देता हूँ, चाइल्ड नहीं दे देता अभी, कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट, इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्लू बॉक्स नजर आ गया, ठीक है। मैं सेम अब, अच्छा एक और बात मुझे जहन में आई, असाइनमेंट जो आए थे अंदर, बास बच्चे के जो एरर्स वगैरह जो वो पूछ रहे थे, और जो असाइनमेंट भी एक दो के थे, वो ये थे कि आप लोग विजिट के बाद जो है ना वो कॉमा लगाना भूल जाते हैं और आप अगली चीज लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको नेक्स्ट लाइन में रेड किस्म का एरर शो होता है। तो ये फ्लटर में रूल है कि आप जब भी कोई विजिट यूज करते हैं उसके आखिर में कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये कंटेनर, अब चूंकि मुझे दूसरा एक और विजिट यूज करना है इसके नीचे, क्योंकि हमने क्या बात की कॉलम एक से ज्यादा विजिट एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे एक विजिट यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मैं एक और विजिट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल इसी को, मैं ये कंटेनर को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो ये मेरे पास इस कॉलम के अंदर दो विजिट हो गए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब देखें इसने क्या किया, इसने जो है वो दो बॉक्सेस बना दिया। अब चूंकि उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो दोनों मर्ज होके नजर आ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कॉलम वर्क कैसे कर रहा है। कॉलम क्या करता है आपके अंदर कि ये चूंकि सलमान आपके थोड़ा पास चेंज कर एक, दो जी सेकंड जी कंटेनर का, रिपीट करें क्या बोला आपने, किसी भी एक का कलर चेंज कर दो। ठीक है ठीक है। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। अच्छा सलमान भाई, मेरी नजर आ रहा है? एक पर्सनल कन्फ्यूजन थी, मैंने पीछे जवाब भी शायद गलत दे दिया एक बंदे को। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कलर और बैकग्राउंड कलर? कलर एंड बैकग्राउंड कलर। अब आप ये चीज पहले क्लियर करें, आप किस विजिट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। देखिए चूंकि आप कंटेनर है ना, अगर मैं एक कंटेनर को सिर्फ सामने रख के बात करूं, तो कंटेनर के लिए कलर ही बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना वो यहाँ टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं, जैसे हमने जो है ना वो टेक्स्ट कहाँ पे अखबार में यूज किया था, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक मखसूस कलर अगर देता हूँ, कलर्स डॉट कौन सा कलर नजर आएगा इसके ऊपर, ग्रे के ऊपर पर्पल नजर आएगा, नहीं नजर आ रहा, ठीक है। हाँ खैर, तो कलर अब इसके साथ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ग्रे के साथ कौन सा नजर आएगा। तो एक कलर की प्रॉपर्टी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर आप देखें बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। तो अब टेक्स्ट के लिए कलर और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है अब देखें। अगर मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूँ ना, जैसे कलर्स डॉट, चले मैं पर्पल ही इसको दे रहा हूँ पर्पल, तो अब इसने क्या किया इस टेक्स्ट के कलर को पर्पल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को कोई कलर दे रहा हूँ, कलर्स डॉट मैं इसको व्हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अभी क्या करेगा, जितने हिस्से में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो ये देखें व्हाइट हो गया। तो ये आपकी डिपेंड करती है कलर यूज हो रही है, लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि टेक्स्ट के अंदर कलर की प्रॉपर्टी अलग है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी अलग है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर विजिट, ठीक है। ठीक ठीक सलमान है, भाई, आगे चलें। समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच। ओके तो अब मैं कॉलम पे था, तो इसने ये मैंने जब कॉलम का विजिट यहाँ पे यूज किया, तो इसने क्या किया एक कॉलम का पैटर्न मुझे बना के दे दिया, मतलब ये अभी इतने हिस्से में एक कॉलम का पैटर्न बन गया। अब जिस तरह मैंने बताया था कि आपका कंटेनर क्या करेगा, अब मैंने क्योंकि इसको मखसूस हाइट विद नहीं दी हुई, तो ये जितना मैं इसको एक्सपेंड करता जाऊंगा एक्सपेंड होता रहेगा। तो पहले मैंने एक कंटेनर सिर्फ बनाया था, तो वो एक कंटेनर जितनी उसकी हदूद थी, अब मैंने दो कंटेनर इसमें बना दिया, तो दो कंटेनर। अब ये क्या है, एक कॉलम सिर्फ डिजाइन हुआ है, तो अब जो भी काम होगा ना मेरे एक कॉलम के अंदर ही हो रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं इसमें 10 किस्म के कंटेनर लगा दूं, वो एक लाइन से नीचे आते रहेंगे, क्योंकि ये एक कॉलम जनरेट हो रहा है, सिर्फ एक कॉलम, ठीक है। लेकिन हमें जो है ना वो इसको एक कॉलम जनरेट नहीं करवाना, हमें जो है वो इसके अंदर कॉलम के अंदर ये मुख्तलिफ लाइंस मतलब रॉस को भी जनरेट करवाना है, ठीक हो गई बात। तो वो हम कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो ये सिर्फ कॉलम का कॉन्सेप्ट था, अगर मैं इस कॉलम के कीवर्ड को सिर्फ एक रॉ से चेंज कर दूं, तो सारा काम सिमिलर हो जाएगा रॉ के ऊपर, क्योंकि हमने बात की कि कॉलम की प्रॉपर्टीज और रॉ की प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो कॉलम के अंदर मैंने चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी यूज की थी और मैंने ये दो कंटेनर बनाए थे, अब मैंने क्या किया सिर्फ कॉलम के नाम को रॉ बना दिया, और बाकी चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी तो उसके अंदर पहले से होती है, और उसके अंदर मैं एक से ज्यादा विजिट दे सकता हूँ। तो अब अगर मैं कंट्रोल एस इसको करूंगा ना, तो अब देखें ये क्या हो गया, ये एक रॉ जनरेट हुई है, सिंपल वन रॉ जनरेट हुई है, जो क्या करेगा अब सिर्फ लेफ्ट टू राइट कंटेनर्स ऐड करता रहेगा, मैं जितने कंटेनर यहाँ बनाता रहूंगा। तो ये आपको मेरे ख्याल में अब विजुअली जब ये नजर आया तो समझ आ गया होगा कि
कॉलम का विजिट क्या करेगा, सिंपल एक कॉलम खाली आपको जनरेट करके देगा, और जो भी आप फिर उसके अंदर चाइल्ड बनाते रहे, चिल्ड्रंस के अंदर ऐड करते रहेंगे, वो क्या होगा उसी एक कॉलम के अंदर नीचे बनते रहेंगे। लेकिन अगर रॉ में यही काम मैं करूंगा तो रॉ में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट वो उसी के आगे क्या है, एक रॉ ही खाली बनती रहेगी। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है ये चीज? चैट में बता दें ताकि फिर आगे हम चल लें। सही, तो ये तो बिल्कुल सिंपल यूज था कि रॉ और कॉलम को अलग अलग हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हमें बनाना है कि रॉ भी एट अ टाइम यूज करनी है और कॉलम भी एट अ टाइम यूज करनी है, तो हम कैसे करेंगे? अब देखें, ये जो हमारा यूआई है ना, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इसके अंदर मैं दोनों तरीकों से चल सकता हूँ। मैं या तो ये करूं कि एक कॉलम बनवाऊं, सिर्फ एक कॉलम ये यहाँ पे, और देन उसके अंदर रॉज को ऐड करवाता रहूं। ये चीज क्लियर हो रही है कि एक आपके पास एक कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होगा और उसके चिल्ड्रन के अंदर एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ, चार रॉ। या तो मैं यूं करवाऊं इसको, या मैं क्या करूं कि एक रॉ बनवाऊं, सिंपल एक रॉ बनवाऊं और एक रॉ के अंदर कॉलम 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 डालता रहूं। तो दोनों सूरतों में ये हमारा यूआई तैयार हो सकता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, यासिर का मैसेज है कि आप थोड़ा तेज बोल रहे हैं, तो थोड़ा आहिस्ता की रिक्वेस्ट की है यासिर ने, बाकी सबको क्लियर है। थैंक यू। ठीक है, मेरी बोलने की स्पीड तेज है या फिर मैं कंटेंट को तेज लेके चल रहा हूँ? यस यासिर, प्लीज क्लैरिफाई। आई थिंक कंटेंट की बात हो रही है। कंटेंट की बात हो रही है, अच्छा ठीक है। नहीं, तो यहाँ कंटेंट तक की नहीं, अगर उन्हें कोई यासिर क्वेश्चन है बोल तो रहे वो हैं कि पूछ सकते। आप तेज बोल रहे हैं थोड़ा, मतलब इन की अच्छा जल्दी जल्दी वो गोल को कर रहे हैं। स्पीड स्पीड, अच्छा, ठीक हाँ, है, ओके ओके ओके, तो वैसे मैंने चलें यासिर यहाँ को तक तो बोल दिया बिल्कुल। कि यासिर दिस इज फॉर यू, तो स्पीड इज आर्बिट्री, तो इट विल बी एफिशिएंट। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उस वक्त बता दें, और कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो सलमान भाई को उसी वक्त बता दें ताकि वो रिपीट कर दें उसी वक्त। ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा कि भाई आप सबको भी समझ आएगी वो चीज़, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको फास्ट लग रही है तो हो सकता है किसी और को भी फास्ट लग रही हो। वैसे सलमान भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक हो गया, सही। तो यहाँ पे अब हम रॉज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को साथ लेके चलेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने जिस तरह आपको बताया, हमारी यूआई को हम दोनों तरीकों से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल एक कॉलम बनाऊं और उसके अंदर मुख्तलिफ रॉज को ऐड करता रहूं, एक तो तरीका ये होगा, या मैं एक रॉ बनाऊं और उसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स को ऐड करता रहूं, तो ये दूसरा तरीका होगा। ठीक है, मैं आपसे ये एक तरह से सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं अभी कॉलम के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक कॉलम बनाता हूँ और उसके अंदर मुख्तलिफ रॉज को ऐड करूंगा। आप आज के सेशन के बाद इसी चीज को रॉ के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से कंटेनर कंटेनर के नीचे कॉलम यहाँ पे बना देता हूँ। एक कॉलम बनाया और उस कॉलम के अंदर हम यहाँ पे जो है वो अब चिल्ड्रंस को ऐड करेंगे। तो अब हमने जिस तरह से बताया कि ये क्या करेगा, जस्ट एक कॉलम बनाएगा, जिस तरह से अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो अब मुझे एक कॉलम के अंदर क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कॉलम है, तो अब मुझे इसके अंदर मुख्तलिफ रॉज चाहिए। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रॉ को डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले कंटेनर लिखा था, तो अब मैं कंटेनर नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, रॉ लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रॉ लिखा, और रॉ लिखने के साथ अभी इसकी प्रॉपर्टी भी हमें पता है क्या होती है, चिल्ड्रन की होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चिल्ड्रन लिखा। ठीक है, अब मैं इस चिल्ड्रन के अंदर कंटेनर को ऐड करता हूँ, क्योंकि हमें बॉक्सेस चाहिए ना छोटे छोटे हमारे यूआई के मुताबिक। तो जो बॉक्सेस हैं वो हम कंटेनर के थ्रू, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रीन और ब्लू बनाए थे, वैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि रॉ के अंदर कंटेनर को यूज कर रहा हूँ। अब कंटेनर की मैं हाइट और विड्थ यहाँ पे रख देता हूँ 30, और विड्थ भी इसकी 30 रख देता हूँ। और इसका कलर, चूंकि हमें पता है कि हमारे चेसबोर्ड के अंदर वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, तो पहली रॉ हमारी किससे शुरू हो रही है, वाइट से शुरू हो रही है। तो
तो मैं यहाँ पे जो इस कंटेनर को कलर दूंगा वो कौन सा दूंगा, कलर्स डॉट वाइट। तो अब देखें आपको स्क्रीन पे एक वाइट बॉक्स नजर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक सेकेंड कंटेनर बनाता हूँ, मैं सिंपल इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने इस कंटेनर को क्या किया इसी के नीचे सेकेंड चाइल्ड के तौर पे, ये इस रॉ का सेकेंड चाइल्ड है, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया कॉपी किया। लेकिन हमें अपनी यूआई के मुताबिक सेकेंड वाला क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको ब्लैक लिख दूंगा, और सिर्फ इन दो का हम आउटपुट देखने क्या है। तो अब देखें इसने क्या किया, ये दरअसल है तो हमारा एक ही कॉलम, मतलब ये यहाँ पे एक ही कॉलम है लेकिन उसके अंदर ये फर्स्ट रॉ को मैंने ऐड करवाया, तो ये आपका रॉ का आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉक्स यहाँ पे लाके हमें दिखा दिया, सही है। अच्छा अब चूंकि हमें कितने चाहिए, सिक्स चाहिए, एक रॉ के अंदर कितने चाहिए, 6x6 का हम बना रहे हैं तो हमें एक रॉ में 6 चाहिए। अब ये सेम पैटर्न क्या चल रहा है, एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक, तो हम यहाँ पे भी क्या चलेंगे सेम उसी पैटर्न पे। तो हमें पता है एक व्हाइट और एक ब्लैक पहले से बना हुआ है, तो मैं अगर दोनों को एक साथ कॉपी कर लूं और जो है वो इसी के नीचे, मतलब ये पहला विजिट ये दूसरा विजिट, अब मैं यहाँ पे तीसरा और चौथा इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ पेस्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा कंट्रोल एस। तो अब ये कितने हो गए, चार हो गए, और हमें क्योंकि छह चाहिए तो इसी के अंदर ये चार तो पहले से मौजूद है, मैं जो मैंने कॉपी किए हुए थे उसी को यहाँ पे वापस पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कितने हो गए, छह हो गए। ठीक है, तो ये एक रॉ हमारे पास जनरेट हो गई, लेकिन वो किसके अंदर जनरेट हुई है, एक कॉलम के अंदर। अब चूंकि जब मैं दूसरी रॉ बनाऊंगा ना तब आपको एक कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा और क्लियर कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। ये एक रॉ बनाने की हद तक क्लियर है, तो आगे चलें। अच्छा अब इस यहीं तक हम रहते हुए अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखते हैं, वरना अगर मैं बाद में करूंगा ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल चूंकि ये सिंपल अभी कोड है कि एक ही कॉलम इसमें यूज हुआ है और एक ही रॉ इसमें यूज हुई है, तो हम इसकी जो है ना वो दूसरी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी कि आपके पास रॉ के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, तो ये भी अब मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि दरअसल ये यूज कैसे होती है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा ऊपर कॉलम हमने यूज किया, तो मैं कॉलम के रिस्पेक्ट से बताता हूँ मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। तो जिस तरह हमने बात की कि कॉलम, कॉलम का मेन एक्सिस क्या होता है, टॉप से बॉटम, यानी ये यू। तो अगर मैं इसके ऊपर मेन एक्सिस की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ये मैंने मेन एक्सिस लिखा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। तो अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट को यूज करने का तरीका क्या होता है कि आपके जैसे कीवर्ड होता है यहाँ पे वो सेम इसी तरह का होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, लेकिन उसमें क्या फर्क होता है कि यहाँ पे देखें एम स्मॉल है लेकिन आपका जो कीवर्ड यूज होता है ना वो एम कैपिटल के साथ यूज होता है, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये आप नजर आ गया। इसके आगे जिस तरह देखें इसमें हर चीज आसान है, आप एक पैटर्न याद रखें, जैसे हमें कलर देना था तो हमने क्या किया कलर्स डॉट फिर कलर दे दिया, आइकन देना था आइकन्स डॉट आइकन दे दिया, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर मेन एक्सिस अलाइनमेंट मुझे देनी होगी तो मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट का मैंने कीवर्ड यूज किया और अब उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा तो ये मुझे बता देगा किस किस किस्म की मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो तकरीबन दो दो चार दो छह सात सात मेन एक्सिस अलाइनमेंट्स यूज हो रही हैं। अंदर से मैं फिलहाल आपको जो है वो एक दो के हवाले से बता रहा हूँ, या बता सकते हैं वैसे सारी लेकिन टाइम उसमें ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करते हैं सबसे पहले सेंटर की, मैं अगर इसको सेंटर करता हूँ तो अब कोई इनबॉक्स में चैट में बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या होने वाला है, मैंने मेन एक्सिस एलिमेंट डॉट सेंटर किया है तो ये क्या इसका आउटपुट होगा, चैट में बताया कोई। किस जगह से बॉक्सेस सेंटर में आएंगे, यानी आपके पास टॉप से बॉटम के सेंटर में आएंगे या लेफ्ट टू राइट से सेंटर में आएंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं ये कहाँ आ गए, टॉप से बॉटम के सेंटर में आ गए। चूंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि आपके पास कॉलम के रिस्पेक्ट से मेन एक्सिस क्या है, आप ये चीज याद रखें कि आप अभी कॉलम को देख रहे हैं, तो कॉलम के रिस्पेक्ट से मेन एक्सिस क्या है आपके पास, टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम क्या हो जाएगा वो सेंटर में आ जाएगा, तो ये टॉप से बॉटम में क्या हो गया सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं क्रॉस एक्सिस इसको देता हूँ, ठीक है, तो जिस तरह से हमने ऊपर वाला यूज किया है ना कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट का कीवर्ड लगाया फिर डॉट करके सेंटर, तो हम अगर इसको भी क्रॉस एक्सिस का हम कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, अगर इसको भी सेंटर देता हूं तो अब ये क्या होगा, अब ये लेफ्ट से राइट सेंटर आएगा, देख लेते हैं।
ये आपके पास क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, इसके अब मैं वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं हुआ। देखिए हमारे पास जो है ना, वो हमने क्या किया है, कॉलम के अंदर रॉ को यूज किया है, और यही दो सेम प्रॉपर्टीज किसके पास है, रॉ के पास भी मौजूद है। ठीक है, तो जब रॉ के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है, तो हमने रॉ के अंदर इन दोनों प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो हमेशा याद रखें, अगर मैंने इस कॉलम के अंदर रॉ की जगह कोई और कंटेनर वगैरह यूज किया होता, सिंपल, जिसके पास ये दो प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है, तो क्या होता कि वो ये वाली जो क्रॉस एक्सिस वाली है ना, वो क्या हो जाती, इस पे अप्लाई हो जाती। इस रॉ के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि रॉ का मेन एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, और हमने एक तरह से क्रॉस एक्सिस जो कॉलम पे यूज किया है, वो क्या यूज किया, लेफ्ट टू राइट को हिलाने की कोशिश की है, जो कि रॉ की ऑफिशियल प्रॉपर्टी है। तो जो जो चीज रॉ की ऑफिशियल है, वो रॉ किसी और को छेड़ने नहीं देता, वो कहता है कि मैं खुद उसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखें यही वाला काम, ये अगर मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सिस को मिटा भी दू ना, और मैं रॉ के अंदर, क्योंकि रॉ के रिस्पेक्ट से लेफ्ट टू राइट क्या चीज है, मेन एक्सिस है, तो मैं मेन एक्सिस को सेंटर करता हूँ, मेन एक्सिस डॉट सेंटर, तो अब ये सेंटर में आएगा, आ गया। पहले क्यों नहीं आया, एक दफा फिर सुन लें। मैंने क्या कहा कि मैं अगर यहाँ पे क्रॉस एक्सिस को दे रहा हूं, तो उसका क्या मतलब है कि वो लेफ्ट से राइट तक उसको क्या करेगा, उसके ऊपर वो अलाइनमेंट को अप्लाई करेगा। लेकिन हमने जो इस कॉलम के अंदर चाइल्ड को यूज किया है, वो कौन सा यूज किया है, रॉ को यूज किया है, जो कि रॉ के पास ये खुद एबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी ये वाली अलाइनमेंट कर सकता है, क्योंकि ये उसकी ऑफिशियल है, क्योंकि मेन एक्सिस है। ठीक है ना, इसका क्रॉस एक्सिस होता तो काम चल जाता, लेकिन ये इसका मेन एक्सिस है, तो इसीलिए इसने क्या किया यहाँ पे कि इसको अपनी जगह से हिलने नहीं दिया, कि मैं खुद इसको क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो मैंने जब यही वाली प्रॉपर्टी रॉ के थ्रू अप्लाई की, तो फॉरन हो गई, और मैंने उसको जब कॉलम के थ्रू की थी, तो वो अप्लाई नहीं हुई थी। ठीक है, इसको चले एक मिनट में आपको जो है ना, वो ये चीज, ये रॉ को मैं थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि जो मैं आपने बोल रहा हूँ कि क्रॉस एक्सिस इस पे अप्लाई नहीं हुई, जबकि किसी और विजिट पे अप्लाई होगी, तो वो कैसे होगी ये देख लेते। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल एक कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक कंटेनर बनाया, और ये कंटेनर को कलर दे देता हूँ कोई, ताकि नजर आए ये, कलर्स डॉट ब्लू, और इसको विद और हाइट भी देते हैं 30 30, और हाइट भी इसको दे देते हैं हम 30 की। ठीक है, अब देखें अब ये कहाँ नजर आएगा, ये सिर्फ टॉप से बॉटम के सेंटर में नजर आ रहा है। अब मैं इसको क्रॉस एक्सिस कॉलम को दे रहा हूँ, तो कॉलम को अब मैं क्रॉस एक्सिस दूंगा, तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट फॉरन कर लेगा, और ये बीच में आ जाएगा। ये अभी क्यों काम नहीं कर रहा, लेट मी चेक। खैर इसको देखते हैं, ये अभी आई थिंक मैं भूल रहा हूँ कि ये क्यों शायद आई थिंक प्रॉपर्टीज पे वो अप्लाई नहीं कॉलम का वो हुई। वाला इशू तो नहीं, अगर HTML में अगर हम div को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए लाजमी, तो उसके बाद ही सेंट्रलाइज करते हैं। जस्ट सेइंग HTML हाँ की हाँ बात कर हाँ रहा हूँ, मुझे फ्लटर का हाँ कोई ठीक है आइडिया नहीं ठीक है, है। सही, आप सही बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल, मैं यही चीज भूल रहा था। अब देखें थोड़ी देर के लिए मैं इस कंटेनर को विद दे देता हूँ, एक होती है डबल डॉट इन्फिनिटी, ये डबल डॉट इन्फिनिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, ये विद अगर आप नंबर के थ्रू नहीं देना चाहते, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जितनी भी स्क्रीन की विद है उसके अकॉर्डिंग विद हो जाए कंटेनर की। ठीक है, तो ये क्या होगा, विद डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। और अब अगर इसके अंदर मैं जो है वो कंटेनर वगैरह कुछ बनाता हूँ, दोबारा से बना लेते हैं, थैंक यू तरुण, आपने याद दिला दिया, मेरे जहन से निकल रहा था ये। तो ये विद और हाइट इसको हम कुछ दे देते हैं 30 और 30। अब देखें अब ये सेंटर में आ गया, क्यों, ये चीज बिल्कुल ठीक तरुण कह रहे थे कि
मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले आपको, मैं अपनी ही बात भूल गया कि आपका कंटेनर जब हम इसको कोई विद और हाइट नहीं दे रहे होते तो वो खुद से एडजस्ट कर रहा होता है अपने आप को। अब मैंने जब इसको 30 विद और 30 हाइट का कंटेनर दिया ना, तो इसने क्या किया, सिर्फ अपने लिए उतनी ही जगह को मुख्तस किया। ठीक है, अपने लिए उसने कहा बस मेरी इतनी ही जगह है। तो जब उसके पास उतनी ही जगह थी तो अपने मुताबिक तो वो सेंटर में था, ठीक है, अपने मुताबिक वो सेंटर में था। लेकिन अब चूंकि हमें अपने स्क्रीन के स्पेक से देखना था, तो इसलिए मुझे इस कंटेनर को पूरा स्क्रीन के साइज के तरह करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उस वक्त नहीं हुआ था। तो जब मैंने इसकी यहाँ पे विद पूरी स्क्रीन की दे दी तो वो क्या हो गया, बीच में हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और बात यहाँ पे इससे मुझे याद आ गई, वो भी मैं हाथों हाथ बता देता हूँ वरना जहन से निकल जाएगी। अब देखें कॉलम की रिस्पेक्ट से मेन एक्सिस ये है और क्रॉस एक्सिस, तो हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट फ्लटर में बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रॉस एक्सिस की वैल्यू सेंटर होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मैं अगर कंट्रोल सी करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने जो काम किया था ये कंटेनर बनाया था और यहाँ पे वेट। अब देखें ये मैंने जब कंट्रोल एस इसको किया ना, तो ये फिर भी बीच में आ रहा है, जबकि मैंने क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है वो बीच में आ रहा है। लेकिन अगर क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूँ, क्रॉस एक्सिस डॉट स्टार्ट, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या करेगा ये बीच में बिल्कुल बीच से बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका क्या मतलब है कि आपका कॉलम अपनी मेन एक्सिस का जिम्मेदार है, कि वो अपनी मेन एक्सिस को क्या करेगा, हम उसको वो करेंगे, लेकिन क्रॉस एक्सिस को वो बाय डिफॉल्ट क्या रखता है, सेंटर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अगर मैं क्रॉस एक्सिस को यूज नहीं भी कर रहा तो मेरी चीज क्या है, सेंटर में जा रही है। ठीक हो गया, तो ये एक बात ये भी है। तो जिस तरह से ये कॉलम पे अप्लाई हो रही है ना, सेम ये रॉ पे भी अप्लाई होगी। रॉ पे किस तरह अप्लाई होगी कि रॉ की मेन एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो मेन एक्सिस पे तो वो क्या करेगा कि वो सेंटर वेंटर नहीं रखेगा, वो हमें खुद सेंटर में करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो क्रॉस है वो क्रॉस क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहां तक मेरे हाल में क्लियर हो गई होगी। अब चैट बॉक्स में बता दें कि यहां तक चीजें क्लियर है, ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए, बदहजमी नुकसानदेह होती है। सब क्लियर है। क्लियर, ठीक है, तो फिर मैं अपने वही मैंने रॉ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ ताकि हमारा पुराना कोड यहाँ पे आ जाए। तो ये यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर था, तो हमारे फर्स्ट रॉ के 6 बॉक्सेस बन गए। ठीक है, अब हम अगर अपने दोबारा यूआई को देखते हैं तो यूआई के मुताबिक हमारी पहली रॉ तैयार है। ठीक है, और अब दूसरी रॉ हमें तैयार करनी है, लेकिन दूसरी रॉ के अंदर एक इश्यू है छोटा सा, वो क्या कि पहली रॉ शुरू हो रही है वाइट से और एंड हो रही है ब्लैक पे, लेकिन सेकंड वाले को क्या करना है, हमें ब्लैक से शुरू करना है और एंड किस पे करना है, वाइट पे करना है। तो कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपल एक और नई रॉ बनाएंगे, जो कि मैं ये असल में बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैं अगर इसके जो है वो कोलैप्स कर दूं इसको मैं, तो मेरा हाल में इशू नहीं होगा। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे माइनस साइन होती है, जिससे आप विजिट को बंद कर सकते हो ताकि आपको कोडिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैंने पहली वाली जो रॉ थी जिसका आपका आउटपुट भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसको मैंने बंद कर दिया है ताकि मैं दूसरी रॉ पे वर्किंग कर सकूं और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे हम एक और रॉ बनाते हैं, ठीक है, और उस रॉ के अंदर भी हमें पता है कि चिल्ड्रन होते हैं कुछ। ठीक है, तो अब चिल्ड्रन हम इसको भी देंगे कंटेनर्स ही बनाने हैं हमें, तो हम यहाँ पे कंटेनर्स ही बनाएंगे। तो कंटेनर को हमें विथ पहले भी हमने 30 दी थी, तो यहाँ पे भी 30 देते हैं, हाइट भी 30 दी थी तो यहाँ पे हम 30 देते हैं, और कलर चूंकि हमें पहले कंटेनर का, दूसरी रॉ के पहले कंटेनर का कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, अब ये ब्लैक कहाँ आ रहा है, कोने पे आ रहा है, तो इसको मुझे अगर बिल्कुल सेंटर में लाना है तो मुझे रॉ की मेन एक्सिस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, अभी यहाँ पे आ गया, क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, अभी जब मैं बॉक्सेस ऐड करता रहूंगा तो ये आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट होता रहेगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम दूसरे यही कंटेनर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और जस्ट हम इसका क्या करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, तो एक कलर इसका वाइट हो गया, तो अब ये दूसरा भी यहाँ पे बॉक्स आ गया। अब यही दोनों को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, तो अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और अब दोबारा से इन दो को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे
छह हो जाएंगे। तो हमारी दो रॉस जो है वो एक तरह से तैयार हो गई हमारे यूआई की। यहां तक उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अब अगर आप लोग देखें तो जो शुरू की दो रॉज हैं सेम वही क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ठीक है। तो मतलब जो पहली दो रॉ थी अब सेम वही क्या होंगी यहाँ पे, उसकी डुप्लीकेशन है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं सिंपल कि जो दो रॉज हमने बनाई है अब हम उन दोनों को पूरा पूरा कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे क्या करते हैं नीचे पेस्ट कर दें। तो आप कितनी रॉ हो जाएंगी, चार हो जाएंगी। और दोबारा से अगर मैं पेस्ट कर दूं तो अब कितनी हो जाएंगी, छह हो जाएंगी। तो 6x6 का ही हमारा बॉक्स बन गया। यहां तक किसी को मसला है तो पूछ लें। सलमान भाई, एक चीज़ मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। तो हम जी एक बोलो। कॉलम में सारी रोज क्यों रख रहे हैं? मतलब टेक्निकली ये होना चाहिए ना कि एक एलिमेंट एक कॉलम की एक रो में हो। मतलब एक फॉर एलिमेंट, एग्जांपल 00 या 11 को रेफर कर रहे हैं, तो जो पहला वाला एलिमेंट है, मतलब पहला वाला जो कंटेनर है वो आ जाए, उसके बाद फिर दूसरे कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो। हम एक ही कॉलम में सारी रोज क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ठीक है जस्ट फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम C++ में ठीक जाते है। हैं, नॉर्मल 2D का कॉन्सेप्ट, जैसे बिलाल बोल रहे हैं कि 2D का कॉन्सेप्ट है फ्लटर में। बिल्कुल है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे अपने कोड के नीचे ये चीज थोड़ी सी समझाता हूँ। हमारे पास जो 2D एरे का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, 0,0, मतलब जो सबसे पहली आपके पास वो होती है, सबसे पहला आपका इंडेक्स होता है जो, वो एक तरह से अगर 2D मैट्रिक्स को देखें तो 0,0। फिर मैं सिर्फ जो है वो दो के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, फिर 0,1, फिर अगर अगले में आते हैं तो ये आपके पास 1,0 एंड देन 1,1, ठीक है। ये अगर मैट्रिसेस किसी ने भी मैथ्स में मैट्रिक तक अगर किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़ी, सब फ्रेशीज हैं यहाँ पे, फिर भी कोई इशू नहीं है। आप लोग मैट्रिक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर मैट्रिसेस को पढ़ के आए होंगे। तो जब आप कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर आप जब चीजों को रख रहे होते हैं तो आप उसकी जो इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर रहे होते हैं कि जीरो, ये पहला वाला जीरो रॉ को शो कर रहा है और दूसरा वाला कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट यानी ये वाली जो जगह है वो 0,0, यानी जीरो रॉ भी चल रही है, जीरो कॉलम भी चल रहा है, ठीक है। और अगले अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये जीरो रॉ ही चल रही है, लेकिन पहला क्या कर चल रहा है आपके, वो कॉलम चेंज हो चुका है, कॉलम फर्स्ट हो चुका है, क्योंकि कॉलम हम टॉप टू डाउन चेक देख रहे होते हैं। तो टॉप टू डाउन, ठीक है। तो ये एक 2D मैट्रिक्स सिंपल बनाया। अब हम अपने विजिट्स को देखते हैं इस पैटर्न के ऊपर कि वो कैसे ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग किससे ले रहे हैं, कॉलम से ले रहे हैं, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग कॉलम से ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि मैंने क्या बोला कि कॉलम का एक विजिट हमने यूज किया, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही कॉलम बनाएगा, ठीक है। एक ही कॉलम बनाएगा का मतलब क्या है कि हमारे पास कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉलम सिर्फ एक ही पाया जा रहा है जो कि कौन सा है, जीरो है बस, ठीक है। कॉलम एक ही हमारे पास है जो जीरो है, इसके अलावा 1, 2, 3 की काउंटिंग नहीं चलेगी कॉलम के लिए। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे रॉ को यूज किया तो एक तरह से ये, अगर मैं सिर्फ रॉ को अभी थोड़ी देर के लिए रॉ को समझना, एक कंटेनर है, ठीक है। तो मैंने एक कॉलम के अंदर कितने चाइल्ड यूज किए, 6 यूज किए। तो अगर 6 हमने यहाँ पे यूज किए हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, 0,0, फिर 0,1, फिर 0,2, 0,3, 0,4 एंड 0,5। अच्छा ठीक है। तो ये अभी हमारा अगर विजिट्स को हम देखें तो विजिट्स किस पैटर्न पे यूज हो रहा है कि कॉलम एक ही है, ठीक है। तो जब कॉलम हमारे पास एक ही है तो इस ये सिर्फ जीरो कॉलम है और उसके ऊपर हमारे पास जो अभी वर्किंग बनी है वो क्या बनी है, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ओ सॉरी, रॉ पहले लिखी जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कॉलम तो जीरो ही चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम हमारे पास जीरो वाला ही चल रहा है, सिर्फ हमारे पास रॉ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमने यहाँ पे यही सेम इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। एक तरह से ये समझ लें कि 6x1 का एक आपके पास मैट्रिक्स बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 6x1 का मैट्रिक्स है। अब हमने चूंकि इसकी जगह एक रॉ यूज किया है तो हमें पता है कि रॉ के अंदर मजीद चाइल्ड होते हैं। तो एक तरह से वो नेस्टेड वाला सीन यहाँ पे हो गया कि अब इसके आगे हमने जो है वो इसके 6 चाइल्ड मजीद बना दिए,
ड्रॉ के थ्रू, इसके आगे इसके 6 चाइल्ड मजीद बना दिए, इसके आगे इसके 6 चाइल्ड मजीद बना दिए, ठीक है। इनिशियली अगर सिर्फ ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से ये क्या है आपका 6 by 1 का मैट्रिक्स है, नथिंग एल्स। मेरा ख्याल में समझ आई होगी बात, हाँ बिल्कुल समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अगर विजिट के रिस्पेक्ट से देखेंगे, विजिट के रिस्पेक्ट से थोड़ा सा मतलब वो हो सकता है अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन मैंने जिस तरह बोला कि आप जब इसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने जिसे यहाँ पे कॉलम के थ्रू काम किया है, यही काम आप रॉ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब रॉ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे हुआ है। अच्छा, अब ये मैं इसके विजिट ट्री यहाँ पे बता रहा हूँ, विजिट ट्री, अब कोड तो आप लोगों ने देख लिया, अब इस ट्री को देखेंगे तो मेरे हाल में वो चीज और क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार और कंटेनर को यूज किया था, फिर कंटेनर के अंदर हमने एक कॉलम बनाया, और कॉलम के क्या है 6 रॉज बनाई। तो अब कॉलम से कितनी 6 रॉज निकल लिया, मैंने सिर्फ 2 को यहाँ पे क्या किया, हाईलाइट किया है, देन ये डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे भी 2 रॉज है और यहाँ पे भी 2 रॉज अवेलेबल है। तो एक कॉलम से क्या है 6 रॉज निकले, और एक आपकी कोई भी रॉ है उससे हमने एक कंटेनर सिर्फ बनाया है, कहाँ गया, रॉ है उसके अंदर आपके 6 कंटेनर्स है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूं शो किया। तो यहाँ पे भी आपके स्केच है, स्केच है, स्केच है, तो ये बहुत बड़ा एक ट्री बन जाता है, एक ट्री नुमा। तो भाई जस्ट इस स्टेप तक मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि आपकी इनिशियली ये मतलब जो कॉलम के अंदर रॉ का यूज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका हो तो मेरा ख्याल में इसको यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से, यहाँ तक तो बिल्कुल पूछ लें, कोई रिपीट करनी है कोई चीज या किसी चीज में अभी भी कंफ्यूजन है तो। यस प्लीज सवालात कर लें, वी रन आउट ऑफ टाइम। लगते हैं लोगों को सब क्लियर है फॉर नाउ। ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लें कि आपकी कोई भी यूआई है, चाहे वो जितनी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, या अगर आप आसान से आसान यूआई की तरफ भी जाते हैं तो अंदर रॉज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन लाजमी यूज होता है। सर आप क्वीन किंग का कैरेक्टर आई मीन दियर आइकन भी शो करेंगे। अच्छा सही, मैंने वैसे अपना जो आउटपुट बनाया था वो मैं अगर आप लोगों को शो करवा सकूं तो, मैं इसमें चाह रहा था कि आज आप लोगों को ये क्वीन किंग वगैरह तो ना इसमें प्लेस करवाऊं, क्योंकि वो आपके पास बाय डिफॉल्ट फ्लटर में आइकन मौजूद नहीं है, वो आपको पिक्चर्स यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेंगी, जो कि आपका एसेट लोडिंग का एक अलग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि एसेट लोड कैसे करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर एक छोटी सी चीज कर सकते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ जो है ना वो हमारे ये किंग क्वीन या जो भी हमारे उर्दू में मुझे पता है उसको बोलते हैं पियादा बोलते हैं आई थिंक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आगे जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं आगे उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोई बता दे। पॉन यानी कि बिल्कुल पॉन, पॉन। ठीक है, तो उर्दू में उसको पियादा बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैंने ये सोचा था कि आपको सिर्फ आइकन जो डॉट आइकन्स हैं, यानी हम सिर्फ डॉट डॉट इसमें बना दें इसके अंदर, तो हमें एक चीज इंडिकेट हो जाए कि हमारे यहाँ पे जो है वो किंग क्वीन या पाउन जो भी चीजें हमारी मौजूद है, ये चीज मैं करवाना चाह रहा था। अगर आप लोग कहते हैं तो ये एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि कंप्लीट हमारा बोर्ड बन जाए, अगर आप लोग कहते हैं कि बस बदहजमी होने वाली है तो यहीं पे रुक जाते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया है, इफ़ एनीवन वांट्स टू लीव कोई मसला नहीं है, बट हाँ सलमान भाई इज़ रेडी टू शेयर अगर आप सीखना चाहते हैं तो। हाँ लोग बोल रहे हैं आज के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, मुझे खुद ये फील हो रहा था। ठीक है, तो कोई इशू भी नहीं है, मैं आपको यही बार बार बोल रहा हूँ और वापस आखिरी दफा बोलूंगा कि ये काम हमने रॉ के थ्रू किया है, आप इसको वो सॉरी हमने कॉलम के थ्रू किया, एक कॉलम बना के अंदर रॉस डाली है, आप एक रॉ बनाएं और अंदर कॉलम्स को यूज करें। तो अगर आप इस पैटर्न पे करेंगे तो मेरे ख्याल में और अच्छा हो जाएगा। ये जो आपने बात कही है ना उससे एक शेर याद आ गया है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सूझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सूझे, अहले दानिश ने बड़ी सूझ के उलझाई है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये अगर खैर डिस्कस हो जाएंगे इसका इशू नहीं है, लेकिन आप कोई
कोशिश खुद करें, मैसेजेस के आपको रिप्लाई अब तक तो मेरे ख्याल में मिल जाते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना वो आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत रिस्पॉन्सिवली आपको जो है वो रिप्लाई करें। तो आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, रॉ के अंदर कॉलम को यूज़ करने की कोशिश करें। कोई इश्यू होता है तो आप बिला झिझक घबराए जो है वो मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आई थिंक वी लॉस्ट सलमान भाई। मुझे खाली एक बात बोलनी थी कि काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं किया है, तो असाइनमेंट प्लीज़ सबमिट कर दें एज सुन एज पॉसिबल, आप जी आप कुछ कह रहे मेरे हैं? पास दे दें प्लीज़, थैंक यू। मैं खैर यही कह रहा था कि अगर किसी को जो है ना रॉ के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने में इश्यू होता है तो आप बिला झिझक मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है वो रिस्पॉन्सिवली रिप्लाई मिल जाएगा, ताकि जो है वो आप लोग काम इस पे कर सकें, ठीक है। लेकिन लर्निंग अगर हम बिल्कुल आपको बता देंगे प्लेट में तैयार रख के, तो फिर वो लर्निंग स्किल्स जो है वो थोड़ी मर जाएंगी, तो उसे जिंदा रखना है हमें। आप खुद इस पे वर्किंग करें, अगर कोई इश्यू होता है तो बिला झिझक हम लोग जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सही, ठीक है, क्लास इज अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम कि हम रैप अप कर देते हैं इवेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, और जो भी सवालात हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दें। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।